हाँ जी भी दोस्तों की हाल चाल ने, उम्मीद है सारे वधिया होंगे। तो थोड़ी काफ़ी टाइम की डिमांड सी कि प्लैटिनम ऑफ रोडर वाले जड़े ने वो की करते हैं, किमें किमें उन्होंने को जीपा मिल जाते हैं, उसके बारे सारी अज वीडियो होने वाली है। सर की हाल चाल ने? बहुत वधिया बेटे, ठीक ठाक हो? बस वधिया सर, मैं चाहता कि तुम अपने बारे पहले थोड़ा जहा इंट्रोड्यूस कर दो। देखो भरी अपनी फर्म का नाम है प्लैटिनम ऑफ रोडर, आप बोर तो हैं तो आप ज़्यादातर मिलिटरी ऑप्शन व्हीकल डील करते हैं। तो जो लोगों को शौक है अज की डेट ऑफ रोडिंग करना, उन्होंने शौक पूरे कर कोशिश है कि रीजनेबल प्राइसेज वो चीज़ आप बना के दे सकते। ये आप सारा कुछ कर रहे हैं, इतने ही मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, इतने ही पेंट जॉब कर रहे हैं, कोई काम बाहरों नहीं हो रहा, सब मैकेनिज्म वगैरह सब इतने एसेसरीज इतने जी, मतलब अपने को वांटन मेनली जो आप बना रहे हैं रीजनेबल प्राइसेज। मार्केट बहुत इस टाइम है कि हाँ भाई कॉस्टली है कि बहुत ज़्यादा राइज कर रहा उस रेट में, आप लिमिट ले आए हैं, हाथे ले आए हैं लोगों के कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब न आपदे पिना खर्चा वो करना चाहते आप चीज़ दे सकते हैं उन्होंने। तो अपने को जोंगा जी है उन्होंने स्टॉक मिल जाएगा, रीस्टोर्ड अनरीस्टोर्ड दोनों आप डील कर रहे हैं, वनटन है, रेंगलर है, डॉज है, लैंड रोवर डिफेंडर अपने को अवेलेबल है, जीप्स अपने को ऑटोमैटिक मैनुअल 5+1 4x4 के आप कर रहे हैं बिल्कुल हरेक टाइप की। थोड़ा जीप या ऑफ रोडिंग व्हीकल जोड़े ने यूनीक जो चीज़ें ने सर को अवेलेबल हो तो आप सारी डिटेल देवे इस वीडियो में कि लाइक किन्ने का जोंगा लै सकते हो, वन टन किन्ना लै सकते हो, कि टाइम लगता है, किमें तुम सर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे नंबर वगैरह मैं वीडियो ही पा रहा, तुम बेचे कॉल कर सकते हो। तो बाकी आप वीडियो करते हैं शुरू तो दिखाने सर को इस टाइम की कम चल रहे हैं, कि गड्डिया तो की है। ये वीरे अपनी 2016 मॉडल थार है, ओरिजिनल 4x4 CRDE है, उन्होंने आप कन्वर्ट कर रहे हैं रेंगलर दे विच। इन्दे जिहड़े डायमेंशनज है ब्लू प्रिंट्स है अपने को अवेलेबल है ओरिजिनल दे ही। अगर आप बजट दे करने बोनट आप बनाया मैटल तो, मगर अगर ओरिजिनल चाहिए वह भी मिल जाएगा। ये बजट लियाने ओरिजिनल जोड़ा थोड़ा कॉस्टली पै जाता, वो कस्टमर थोड़ा अवॉयड करता वो आप अवॉयड करते हैं कि 550 कन्वर्ट ना करिए, क्योंकि उन्हें की जुगाड़बाजी बहुत हो जाती है। आप कहें ओरिजिनैलिटी बरकरार रहे, कस्टमर नू ईजी मेंटेनेंस मिले, एजेंसी जाके भी आपका काम करा सकते, चाहे वह मेरे को आए चाहे वह एजेंसी जाए। मकैनिकल की आप कोई जुगाड़बाजी पसंद नहीं करते, ना आप कस्टमर नू देना चाहते। ये अपने को डॉज है 58 ओरिजिनल, इनू आप सारा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन 4000 CC कर रहा है, तो सारे पिछे तक सारा यदा कम नवा होया है, सारी सस्पेंशन है, कोई कमानी पट्टे वाला कम नहीं है। ये हुण अपनी रेंज जोंगा दी शुरू हो जाती है, ये 6 सिलेंडर डीजल बनाया गया, इहदी ऑलमोस्ट बॉडी आपां ही बनाई है, ये बहुत रफ कंडीशन च अपने को लाया सीगा, ते इहदा पेंट हुणे ही रीसेंट होया। इहदे जो है ओरिजिनल टायरस तक अपने को अवेलेबल है, इहदा मैं तुहानू दिखा दिंदा कि सेम साइज तुहानू मार्केट तो कई बार अवेलेबिलिटी नहीं हुंदी तां आपां उह करा सकदे हां। जो जो ओरिजिनल पार्ट्स दी है वो अपने को सारे इस टाइम अवेलेबल है, यही कि मंगवाना है या कुछ आएगा, ये सब या आप मैनुफैक्चर कर रहे हैं या मार्केट तो परचेज हो रहे हैं। ए 6 सिलेंडर है, अगर ये अपना दूसरा जोंगा है जी, ये आप मिलिट्री वाले बंदे गुरदासपुर जाना है गड्डी, उन्होंने स्पेशली डबल शेड रेडी होया, ओन रिक्वायरमेंट जो भी होएगी वो तुम्हें प्रोवाइड कर दी जाएगी, अपने को सारी चीज़ की अवेलेबिलिटी है। ये अपना 4 सिलेंडर हीनो डीजल इंजन ओरिजिनल 4x4 जोंगा है, ये आप एक कस्टमर की ओरिजिनैलिटी पसंद करने वाले बंदे हो, उन्होंने कोई चेंजेस नहीं चाहिए सी, वो कहते कि ओरिजिनल रहे सारा, ये सारा ओरिजिनल जोंगा है, इन्हें सारा मकैनिज्म ओरिजिनल, यदा टायर का डिजाइन अलग है, वो कस्टमर की चॉइस है। ये अपने को रेडी हो रहा है, यदा बोनट तो ग्रिल ओरिजिनल है, बाकी सारा असी इत्थे ही बनाया इन्हू। ये सर लैंड रोवर डिफेंडर है, लैफ्ट एंड ड्राइव ओरिजिनल, बहुत ही रेयर पीस है, तो ये की है कि ये 110 मॉडल है, ये लोंग आता है, इन्हें शॉर्ट भी आता है। अगर किसी बंदे नू ओरिजिनल चाहिए तो आप ओरिजिनल भी दे सकते हैं, अगर वो रेप्लिका बनवाना चाहते हैं तो यदा बॉडी शेल आप बना रहे हैं एट प्रेजेंट कस्टमर का, तो उन्होंने हिसाब न साइज़ नू मेनटेन कराया गया। ये सारा एल्यूमीनियम बॉडी च होंदा ओरिजिनल, ये मैटल यूज नहीं होंगे। ये आप थोड़ी बहुत विंटेज कार्स भी डील कर लेने, जिवें हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ओरिजिनल गड्डी खड़ी है अपने को, अगर किसी ने अपने चॉइस के हिसाब से रेडी करवानी है, टू डोर करवानी है,
मस्टैंग लुक करवानी है तो आप कर सकते। ये वीर निसान का 1T4W73 मॉडल है, इनू आप इतें ही तैयार करते हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब न उन्होंने ही बजट के हिसाब न आप कोशिश करते हैं कि पूरा कर दिए। तो इनू आप सारा बॉडी शेल नया बनाया गया, 1220 दे मिलिट्री दे टायर्स है। ये इंजन जोड़ा वो आप 4-सिलेंडर डीजल इंजन कर देने। अगर किसी बंदे नू चॉइस V6 V8 या पेट्रोल च ओरिजिनल चाहिए तो वह भी प्रोवाइड हो जाएगा। ये आप डैशबोर्ड यूज कर रहे हैं थार का, अजे अंदर मेंटेन हो रहा, गड्डी बन रही है। ऑटोमैटिक सीट्स देने, सनरूफ की ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल है, जो आप कराना चाहिए मिल जाए। ऑल पावर है, ये पिछे आप डाला बनाया जी, यदा आप साइज पूरा एडा रखते हैं कि 1200 भी टायर ये अंदर जा सके, एडा वा डाला होंगे जी। आज लगेज रख सकते हैं, आप ऑफ रोडिंग जा रहे हैं, लगेज पूरा समान ये अंदर आ सकता। आप मेकिंग करते हैं, आप बना रहे हैं, इतने फाउंडेशन वगैरह जिम्मे मैं थोड़ा गड्डी दिखा दिना, डॉज दिखा दिना। ये मैं थोड़ा दसा सी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन करी है, ये कोई सस्पेंशन आता नहीं है, पटे आते आप इंडिपेंडेंट सस्पेंशन कर रहे हैं। 4-सिलेंडर कमिंस का इंजन पाया, इनका कॉम्बीनेशन आप बनाया इतने। ये टोयोटा का गेयर लगा रहे हैं ये अंदर, मगर इनका कॉम्बीनेशन असं आप इतने ही रेडी कर रहे हैं, कोई बाहरों का कम नहीं है। वैसे तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीने ना भिज गया भाई, मैं भी भिज गया। अच्छा भी थोड़ी जी तुम्हें स्टा देखा सारा सारा हम दिमाग चूगा कि ये चीज़ा बड़ी यूनीक ने, तो इन्हों काफ़ी टाइम लगता होगा या कि कॉस्टिंग होगी, क्योंकि चीज़ा आम देखने मैं भी अब फस्ट टाइम इन्ने जाऊंगे या डॉज वगैरह मैं बाइक को अच्छे खड़े देखे ने। ठीक है सर, हम जी मेन क्वेश्चन सारे दिमाग चल रहा कि लाइक जिम्मे डॉज ला लो, ठीक है, ये बहुत घट ने, बहुत ही चिंती है, मतलब ये कि लगते हो या की करते हो, की रिक्वायरमेंट होंगे ने? ये मेरे बाहर के मॉडल है जो ऑक्शन पर ही मिलते हैं, मिलिट्री को होंगे सी, कुछ गवर्नमेंट के होंगे सी, इन्हों की ऑप्शन होंगी, इन्हों का कोई स्टेबल प्राइस नहीं। ये उपर भी मिल सकते हैं, कुछ बहुत सस्ते वेच भी मिल जाते हैं, क्योंकि हर बंदा इन रेडी नहीं कर सकता। हूँ अपने को 58 मॉडल का है, डॉज 58 पिकअप है, ये आप रेडी कर रहे हैं इस टाइम। तो इन्हे आप सारा सस्पेंशन इंजन सब चेंज करता है, जो बंदा इनू रेडी करवा रहे हैं उन्होंने पुराना कुछ नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं कि सानू सब स्मूथ चाहिए, वो चीज़ आप रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं तो बना रहे हैं। ठीक है, ये वैसे जी एक आइडिया कॉस्ट जी आई लोग इन्होंने चीज़ों की कॉस्ट नहीं होंगी, फिर भी किन्ने तक किन्ने टाइम से तैयार हो जाता है, तो किन्ना टाइम आइडिया मेरे चलता है रिक्वायरमेंट, फर्स्ट थोड़ी रिक्वायरमेंट की है। अगर आप ओरिजिनैलिटी ही बरकरार रखना चाहते हैं उन्हें तो थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि पार्ट्स इस टाइम अवेलेबल नहीं है, या मैनुफैक्चरिंग करानी पैंती है, या उन्हें चेंजेस करके उन्होंने रेडी करना पैदा। रिक्वायरमेंट आदा कहने का मतलब आए कि हम कई बंदे है कि वो यार पेट्रोल का नहीं चलाना चाहते, यार 6-सिलेंडर पेट्रोल भी 2-3-4 की एवरेज होंगी। हूँ हर बंदा कहता कि यार डीजल होए आप ईजली कितने भी जा सकी, पेपरस से टाइम लग जाता है कई बार, कि इन्हों के ऑप्शन लैटर आते, आप पेपर अप्रूव कराने, फिर आरसियां बन के आती, फिर उन्होंने भी इस रोड से आप ले जा सकते हैं, इदा ले जा नहीं सकते। इनू हूँ अप्रूव करा रहे हैं डीजल आप, कि इनू कोई तंग ना करे बंदा कि जा रहा है, कोई अच्छे सिटी च रहा, तो उसे गवर्नमेंट बहुत तंग करती है, पुलिस वाले रोक लेंगे। तो आप कोशिश आई करते हैं कि व्हीकल के नाल आरसी प्रोवाइड करिए, आप अगर गड्डी दे रहे हैं आप ही आरसी प्रोवाइड कर देंगे। अगर कस्टमर नूं आया उन्होंने चॉइस के नंबर चाहिए है, या वो आपके बेस से, या उन्होंने जैक है या एजेंट है, वो करा सकते, तो सानू कोई इशू नहीं। हम अगले बने जो कि सारे की पसंद सारों पहले आता जौंगा निशान का, ठीक है, एक्चुअली लोगों को यह भी बड़ी कन्फ्यूजन से जौंगा की है, तो 1 टन की है, थोड़ी वो भी दूर करती है भी जौंगा जरा कि वो खड़े ने जो 4 सर को है, तो 1 टन जरा कि साढ़े को यह खड़ा है, भी हम थोड़ी कन्फ्यूजन सारे दूर हो गई होगी, लकड़ियों में भी कन्फ्यूजन से। हम सारे जो जौंगे खड़े ने साढ़े को, ये किसी ने लैना है, ठीक है, पहली तो गल है कि थोड़े को रेडी स्टॉक अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे? अपने को ज़्यादातर वैसे स्टॉक अवेलेबल होंगे, कई बार हो जाता शॉर्टेज आ जाती, अजक लोग पसंद कर रहे, थार पसंद करते, लोग कहते यार विंटेज जाके कुछ अच्छा लेके आइए, तो वो जौंगा प्रैफर करते हैं, जिन्होंने ब्रॉड व्हीकल जिंद को अच्छा स्केल है वो 1 टन प्रैफर करते हैं। वो भी ये भी है कि आप पेट्रोल होंगे ज़्यादातर, जौंगा भी कुछ लास्ट टाइम के डीजल चाया सीगा, हूँ 1 टन सीगा, ये भी लास्ट 1-2 साल 3 साल डीजल चाया, बट वो ज़्यादा चले नहीं सी उस टाइम, बट हूँ जो आप मॉडिफिकेशन करते हैं इनू, अगर अज की डेट की सहूलत जिमें कह सकते हैं आप दें, ऑटोमैटिक सीट्स है, इंजन वधिया करता, सस्पेंशन चेंज करती है, बॉडी लाइन बड़ी करती है, और टू डोर कैबिन से 4 डोर आप करते हैं,
ਵਿਦ ਅਲੱਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗੇਜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਚਲੋ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੌਂਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂ। ਹੁਣ ਜੌਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦਿੰਦੇ? ਜੌਂਗਾ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ 4 ਸਿਲੰਡਰ 6 ਸਿਲੰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਸਭ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਸਟਮਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ 6:30 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 14 ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵਿਦ ਪੇਪਰਸ। ਅਗਰ ਵਹੀਕਲ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦ ਪੇਪਰਸ ਦੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RC ਖੁਦ ਬਣਵਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟਸ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਰ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੈਂਡਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਮਗਰ ਵਹੀਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਓਰੀਜਨਲ, ਜੋ ਇਹ ਮੈਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 4x4 ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜੋ ਆਲਮੋਸਟ 90% ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਕੁਛ ਪਾਰਟਸ ਟਾਈਮ ਬੀਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਨ ਹਰੇਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ 1 ਟਨ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਰਿਹਾ ਆ ਚੌਂਗਾ, 1 ਟਨ ਰਿਹਾ ਫੇਮਸ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਜਟ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, 4x4 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ 6 ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ। ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 4000 cc ਟੂ ਅਰਾਊਂਡ 8000 cc ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 6 ਸਿਲੰਡਰ V6 V8 ਆਪਾਂ ਇੰਜਨ ਪਾਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਸਪੀਡ 6 ਸਿਲੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਕਨਵਰਟ। ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਡੀ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਔਰਡਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ 5 ਮੰਥਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ? ਆਈਡੀਆ ਜੀ ਇਹ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਮਤਲਬ 11 ਤੋਂ 16-17 ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗੇ ਕਿ 1 ਟਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਆਲਮੋਸਟ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਡੰਮੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਰ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਬੋਡੀ CJ3B ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲੈਰੋ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ, 5+1 ਗੇਅਰਬੋਕਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 31 ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਟਾਇਰ ਹੈ 15 ਇੰਚਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋ ਪੀਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੋ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਰੋਡ ਟਾਇਰਸ ਪਾ ਕੇ ਵਹੀਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਸ਼ੈਲ ਸਾਰਾ ਆਲਮੋਸਟ ਓਰੀਜਨਲ ਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਇਟਾ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮੈਕਸਿਸ ਦਾ ਟਾਇਰ ਹੈ, 15 ਇੰਚ ਸੇਮ ਰਿਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੇਅਰਬੋਕਸ ਲਗਾਇਆ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਥਾਰਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਡੈਮੋ ਪੀਸ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਇਹਨੂੰ 3 ਇੰਚ ਲਿਫਟ ਕਿੱਟ ਹੈ, 32 ਇੰਚਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ CRD 4x4 ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਸੈਮੀ ਆਟੋਪ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੈਂਪਲ ਪੀਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਆਲਮੋਸਟ ਥਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਅਸੈਸਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਟਾਇਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਆਹ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ, 2014 ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਆ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 550 ਦੀ ਹੈ ਆ,
अगर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन जो चाहते हैं स्मूथनैस वो असी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन इनू दिती है। इनका सैमी हार्ड टॉप इन आप मूनरूफ दिता जो लोग कहते सनरूफ ज़्यादा महंगा पै जाता है तो उन्होंने एक फील देने वास्ते आप एक मूनरूफ लगा रखे। सेम ए भी ऑटोमैटिक सीट है, हजे इनकम्प्लीट है, गड्डी कंप्लीट हो रही है, फिनिशिंग होनी है बाहरों, तो होर भी एसेसरीज बंपर वगैरह ये लगने। ये अपने को कुछ स्टॉक है जिमें मिलिट्री का स्क्रैप है एक तरह का, आपू गड्डी कन्वर्ट करते हैं बनाने हैं। ये उन्होंने ओरिजिनल जोंगा की चेसिस है, ये बलैरो की चेसिस है, ये पेट्रोल जीप है ओरिजिनल। यदा बॉडी शैल आप चेंज कर सारा खत्म सगा, बॉडी शैल आप सारा चेंज करके इनू दोबारा बना रहे। जिम्मे मैं थोड़ा दसा लैंड ओवर डिफेंडर थोड़ा कोस्टली पैंता है, अरेंज करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इन्हें ना एक डेमो पीस बनाना बना रहे हैं आप शॉर्ट साइज। बाकी भाई तुम सारिया सर की वर्कशॉप भी वेख ली, सारा कुछ वेख लिया, थोड़े सारे कंसैप्ट क्लीयर हो गए होंगे, जो थोड़ी बड़े ज्यादा डिमांड थी सर के रिलेटेड, तो अज असी टाइम कड़ के सर को सारा सारी डिटेल्स लाइया। इस करके सर ये थार्स खड़िया सी थोड़ा असं कोई डिटेल नहीं दे सकते क्योंकि सर के डेमी पीसिस ने, तो बाकी किसी टाइप की भी थार के भी चेंजिस चाहते हो भी सर कर देंगे ने, नो डाउट तुम कॉल कर सकते हो। बाकी सर मैं चाहना कि थोड़ा कॉन्टैक्ट करना हो किसी ने तो किमें कर सकते हैं? असी वीरे अबोर तो बेस्ड है, अबोर सीतो रोड से साड़ी वर्कशॉप है प्लैटिनम ऑफ रोडर्स के नाम तो, अपने कोई भी विजिट करे अपन कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिक्वायरमेंट के बेस से उन्होंने हर रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश करा। ठीक है, तो जो रेट्स होंगे उन्होंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है सर, आप फेसबुक इंस्टाग्राम से भी अवेलेबल है? बिल्कुल, तो सर के लिंक्स वगैरह भी थले चल रहे हैं, तुम सर फॉलो भी कर सकते हो, डेली अपडेट्स लिए इंस्टा फॉलो कर सकते हो, फेसबुक से फॉलो कर सकते हो, कि थोड़ा सर जो ट्रेन काम चलते हैं वो थोड़ा देखने मिल जाएंगे। तो सर अपना फोन नंबर वगैरह जो वर्किंग है लाइक व्हाट्सएप भी चलता हो तुम बोल के भी रिपीट कर दो, वैसे मैं थले शो भी कर रहा हूँ। देखो व्हाट्सएप नंबर 8004 Penta 07 है, तो फेसबुक से प्लैटिनम ऑफ रोडर्स के नाम तो अपना है पेज है, तो इंस्टाग्राम से भी सेम नाम। तो सर आप किन्ने तो किन्ने अवेलेबल हाँ फॉर कॉल्स और उदा भी? वीरे सुबह 10 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक आप अवेलेबल है कॉल्स के लिए। तो प्लीज़ भाई ये ध्यान रखियो, बहुत कंप्लेंट्स आते हैं कि तुम रात को 12 बजे फोन कर दो, 1 बजे फोन कर दो, आई नो कि बाहर वाले का टाइम वो है पर इंडिया वाले सारे सुते होंगे, माइंड ना करो। तुसी व्हाट्सएप छोड़ो असी रिप्लाई कर बस। ठीक है, तो बाकी थोड़ी कोई भी इनकुआरीज हो किसी टाइप के रिलेटेड, मतलब किसी भी जीप के कोई भी थोड़े मतलब एंटीक पीस थोड़ा चाहिए होने सर हम अवेलेबल कर देंगे, तुम बेच कॉल करो तो थोड़ा सारी सारी इनफॉर्मेशन देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सर इनफॉर्मेशन, तो मिलते हैं नवी वीडियो लैके। मैंने भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के उत्ते डेली अपडेट्स लिए, किसी भी वीडियो लिए किसी टाइप मैं ईमेल कर सकते हो। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।